हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल फिल्म के एक तरीके से कंफर्म अपडेट के बारे में कि इस फिल्म में जूड लॉ का कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले करने वाला है। वेल, तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ नजर डालते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कैप्टन मार्वल फिल्म के हर एक कास्टिंग की डिटेल्स सभी फैंस को पता है, यहाँ तक कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर हमें फिल्म के बाकी टीम मेंबर की भी डिटेल मिल जाती है कि कौन से एक्टर कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर था जूड लॉ का। असल में जूड लॉ इस फिल्म में रोल कौन सा कर रहे हैं? पहले रूमर ये आए थे कि वो इस फिल्म में रोल करने वाले हैं वॉल्टर लॉसन का, जिन्हें हम कॉमिक बुक में जानते हैं मार्वल के नाम से। लेकिन ट्रेलर देखकर कुछ अजीब लगने लगा, जिसके बाद रूमर ये आए कि वो इस फिल्म में मार्वल का रोल नहीं बल्कि वो इस फिल्म में यौन रोग का रोल करने वाले हैं। उसके बाद टॉय मर्चेंडाइज की तरफ से पॉपिन फिगर्स की कुछ इमेजेस लीक हो गई, जिस पॉपिन फिगर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था यौन रोग का, जिसे देखकर सभी ने ये बात कंफर्म कर दी कि शायद इस फिल्म में जूड लॉ सच में यौन रोग का रोल करने वाले हैं। और यौन रोग की डिटेल मैंने इस फिल्म के ट्रेलर ब्रेकडाउन में आपको दी थी कि असल में यौन रोग कौन था और उसका क्या मकसद था। और हमारे शक को पक्का करने के लिए लेजेंड्स टॉय वालों की तरफ से एक्शन फिगर के कवर लीक हो गए, जिसमें हमें जूड लॉ साफ साफ नजर आ रहे हैं और वहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है यौन रोग। और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इस फिल्म में जूड लॉ यौन रोग का ही रोल करने वाले हैं, क्योंकि बात करें एक्शन फिगर्स की तो जब कोई भी कंपनी फिल्म के राइट्स खरीदती है तो वो राइट्स फिल्म बनने से 6 महीने पहले ही कंपनीज को दे दिया जाता है, ताकि टॉय कंपनीज उन टॉयज को फिल्म रिलीज होने से पहले बनाकर मार्केट में डाल सके। ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसमें काफी सारे पैसे लगते हैं, जिसके बाद कंपनी जो डिटेल ऑफिशियली स्टूडियो की तरफ से दी जाती है उसी बेसिस पर कंपनी कवर पर कैरेक्टर्स के नाम डालती है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी से ये गलती हुई कैसे कि उन लोगों ने फिल्म के इस कैरेक्टर के कवर तक को रेडी कर यहाँ पर नाम लिखा है यौन रोग। जी हाँ, फिलहाल के लिए हम इसे गलती ही कह सकते हैं, क्योंकि मार्वल के ऑफिशियल पेज पर अभी 2-3 दिन पहले एक फोटो अपलोड की गई थी, और वो फोटो ये थी जिसमें फिल्म की कुछ डिटेल दी गई थी और साथ ही साथ नीचे जूड लॉ के कैरेक्टर के साथ लिखा गया था मार्वल, जो इस फिल्म में स्टार फोर्स टीम के लीडर है। लेकिन जैसे ही ये चीज वायरल होने लगी तो तुरंत मार्वल ने इस फोटो को वहीं पर रखा, लेकिन जो कैप्शन में चीजें लिखी हुई थी उसे डिलीट कर दिया, ताकि चीजें ज्यादा स्पॉइल ना हो फिल्म से रिलेटेड। लेकिन अब ये चीज काफी ज्यादा स्पॉइल हो गई है मार्वल से भी और लीगो फिगर वालों से भी। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस फोटो में जूड लॉ के कैरेक्टर के नीचे लिखा हुआ है मार्वल, और उसके बाद सारे टीम की फोटो जो हमें प्रोमो आर्ट में नजर आ रही है, जहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जूड लॉ के कैरेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है मार्वल, और कैप्टन मार्वल स्टार फोर्स टीम की मेंबर है, जिसमें कैप्टन मार्वल का नाम है वर्स। तो जो चीज हमने पहले देखी एक्शन फिगर और पॉम फिगर में, उन फॉन्ट्स को प्रिंट किया गया था एक्शन फिगर्स के कवर पर, और जो चीज हम इस प्रोमो आर्ट और लीगो के भी उस एक्शन फिगर के नीचे देख सकते हैं उसे प्रिंट नहीं किया गया। तो शायद अभी भी इसके थोड़े से चांसेस हैं कि जूड लॉ का कैरेक्टर फिल्म में यौन रोग का ही रोल करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि ये एमसीयू है, जो चीज हमने कॉमिक बुक में पढ़ी है उससे अलग हमें एमसीयू की फिल्मों में देखने मिलता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए एमसीयू की नजर से, तो शायद जूड लॉ इस फिल्म में मार्वल भी है और यौन रोग भी, जो कहीं ना कहीं वर्स यानी कैप्टन मार्वल से जलता है, और वो पूरी फिल्म में ये कोशिश करेगा कि उसे स्टार फोर्स टीम से निकाल दिया जाए। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस फिल्म में जूड लॉ कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।